अज्ञानादि मेरा गुरु विष्णु के अनुगत्य में हम लोग ब्रजमंडल धाम परिक्रमा करते करते आजनक से जहाँ पर हम लोग आए हैं, यह स्थान है लोकनाथ दास के भजन कुटी। लोकनाथ दास गोस्वामी पर लोकनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे, इसलिए इसके खदीर वन कहा जाता है। इस खदीर वन की कथा इस प्रकार शास्त्र में वर्णन है कि ये कृष्ण के इलाके समय कंस के द्वारा प्रेरित एक असुर जो है उसके नाम बकासुर, यहाँ पर बकासुर तालाब के पास बक के रूप धारण करके बगुला के रूप धारण करके यहाँ पर रहने लगे। और कृष्ण जब आने लगे, कृष्ण के जो है और चोंचों के द्वार मारने के लिए प्रयास किया और कृष्ण की तरफ दौड़ने लगे, इसलिए सखा लो इसको कहा जाता है खायरो खायरो खायरो, ब्रज की भाषा में खायर मन तुमको निकल दिया ऐसे करने, इसलिए नाम हो गया खायरो कहा जाता है। यहाँ पर खदीर माने कत्था पान में जो एक प्रकार जो है वो मसाला लगा जाता है उसके कत्था कहा जाता है। यहाँ पर कत्था के जो है कत्था यहाँ पर मिलता था, इसलिए इस स्थान का नाम इसी कहा जाए खदीर भी कहा जाता है। और खदीर वन के तात्पर्य यह होता है कृष्ण के लीला के समय यहाँ पर खजूर एक प्रकार जो है फल यहाँ पर निकलता है, खजूर के वृक्ष और घना वन था, इसलिए इसके नाम खदीर वन भी कहा जाता है। यहाँ पर लोकनाथ दास गोस्वामी भजन करते थे। हम जिस कुंड में हम लोग आचमन लिया उसे कहते हैं संगम कुंड कहा जाता है, कई कई कहते इसे किशोरी कुंड भी कहते हैं। राधा कृष्ण के यहाँ पर मिलन की स्थान कहा जाता है, अनेकों प्रकार के लीला आदि हुई। यहाँ पर हमारे गोस्वामी विशेष करके श्री लोकनाथ दास गोस्वामी यहाँ पर प्रकार के भजन करते थे। और लोकनाथ दास गोस्वामी अपने और विग्रह यानी राधा विनोदी लाल को जो है यहाँ पर सेवा आदि करते थे। यहाँ पर लोकनाथ दास गोस्वामी एक समय ठाकुर जी की सेवा करके रात्रि काल में विश्राम कर रहे थे। रात बारह बजे ठाकुर जी लोकनाथ के कहने, लोकनाथ मुझे गर्मी लग रहा है, मुझे हवा करो। लोकनाथ गोस्वामी ने किया कि जंगल से पत्ता आदि लेकर के ठाकुर जी की हवा आदि करने लगे। फिर थोड़ी बाद में ठाकुर जी कहने लगे, लोकनाथ मेरे पैर दुख रहे हैं। तो लोकनाथ गोस्वामी ने ठाकुर जी के जो है चरण दबाया। फिर लोकनाथ गोस्वामी सो गए। तो थोड़ी बाद में फिर लोकनाथ ठाकुर जी जगे और ठाकुर जी कहने लगे, लोकनाथ मुझे भूख लग रहा है। तो लोकनाथ उसमें ठाकुर जी कहने लगे, तुम क्या खाओगे? बोले, मुझे गरम गरम पूरी और सब्जी बनाओ। तो लोकनाथ दास गोस्वामी रात एक दो बजे ठाकुर जी के लिए गरम गरम पूरी और सब्जी बनाई और ठाकुर जी गपागप खा ली। और खा करके ठाकुर जी कहने लगे, लोकनाथ मैं प्रसन्न हो गया, एक बात कहूँ। बोले, क्या? बताओ। बोले, ठाकुर जी कहने लगे, देखो हर रोज़ तुम मुझे 4 बजे जगा देते हो, अभी तो 3 बज गया, मेरा नींद आ रही है, मुझे सोने दो। आज से तुम 9 बजे मेरा आरती करना। तो इस प्रकार आज तक भी वृंदावन में कुछ मंदिरों में ऐसे नियम है, प्रातः 9 बजे ठाकुर जी के आरती मंगला आरती होती है। इस प्रकार लोकनाथ दास के प्रेम सेवा आदि दिखा जाता है। लोकनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के अत्यंत प्रियजन थे। चैतन्य महाप्रभु लीला में महाप्रभु लोकनाथ दास और भूगर्भ गोस्वामी के पहले जो है वृंदावन में भेजा था। वृंदावन में आकर के लोकनाथ दास गोस्वामी या भूगर्भ गोस्वामी ब्रज में सर्वत्र भ्रमण किया और भ्रमण करके दिवा रात्र नाम जप आदि करते थे। एक समय की बात है, नरोत्तम दास ठाकुर जब यहाँ पर आए, नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास के देख करके उनके चरण में अपने को समर्पित कर दिया और बोले, आपसे मैं दीक्षा लेना चाहता हूँ। नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ दास गोस्वामी कहने लगे, देव मैं तो दीक्षा नहीं देते। तीन बार नरोत्तम दास ठाकुर के उन्होंने बाविस कर दिया, बोले नहीं मैं दे। तब उस समय उन्होंने कहा कि ना
लोकनाथ गोस्वामी जहाँ पर प्रातः काल में शौचक्रिया आदि करते जाते थे वहीं पर उन्होंने वो स्थान को साफ परिष्कार आदि करने लगे। और एक दिन लोकनाथ दास गोस्वामी उनको पकड़ लेकर, तुम यह क्या बोलो, तुम कौन हो, आप मैं सेवक हूँ। इसी प्रकार निकृष्ट सेवा आदि देख करके लोकनाथ दास गोस्वामी के हृदय द्रवीभूत हो गया। उन्हें नरोत्तम दास ठाकुर के मंत्र आदि प्रदान किए और उनके स्थान यहीं पर आकर के नरोत्तम दास ठाकुर भजन आदि करने लगे। एक दिन कोई ब्रजवासी आकर के, उनके गर्मी के समय था, एक ब्रजवासी आकर के बोले मुझे पानी पिलाओ। नरोत्तम दास ठाकुर उस समय लोकनाथ गोस्वामी के साथ नाम भजन नाम कर रहे थे, हरिनाम कर रहे थे। और नरोत्तम दास ठाकुर ने क्या कि जपमाला रख करके उनको पानी पिलाया, ब्रजवासी को पानी पिलाया। और पानी पिलाने के बाद वो ब्रजवासी चले गए और इतने समय लोकनाथ दास गोस्वामी उनके ऊपर बहुत रुष्ट हो गए और कहने लगे लोकनाथ तुम अपने घर में जाओ, दान पुण्य आदि अनेक पुण्य कर्म आदि करो और यहाँ पर रहने के तुम योग्य नहीं है। इसी प्रकार लोकनाथ दास गोस्वामी अपने शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर के बहुत तिरस्कृत किया। और इसके पश्चात जो नरोत्तम दास ठाकुर दुखित हो गए, फिर नरोत्तम दास ठाकुर भी यही लिखते हैं, अनेक जन्मेर परे लय छिल ब्रजपुरी कृपा डोरी गलाई बंधिया दैवी माया बलात्कारे से डोरी खसाइया करता रे ब्रज भव कुपे दिलो का डरिया। ये अनेक जन्म के बाद मैं गुरुदेव के चरण पास प्राप्त किया, किंतु आज मेरा दैव दुर्दैव है, मैं गुरुदेव मेरे पर रुष्ट हो। इस प्रकार जो फिर उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर लोकनाथ के बहुत सेवा आदि की। इसके पश्चात लोकनाथ दास गोस्वामी नरोत्तम दास के बोले तुम जीव गोस्वामी पास से सारे शास्त्र आदि अध्ययन करो। इसी प्रकार नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये प्रभुत्राय जो है, नरोत्तम श्यामानंद श्रीनिवास ये प्रभुत्राय कहा जाए, तीन प्रभु जीव गोस्वामी पाद के निकट शास्त्र आदि अध्ययन आदि किया और अध्ययन आदि करके फिर सर्वत्र प्रचार आदि किए। जैसे निकट में अनेकों गांव भी है जिसके गांव के कहा जाता है कौन सा गांव है यहाँ पर रखना गया चलो गोप्रेमानंद अनेक गाँव है।